Hey guys, it's Deepika and welcome to my channel and I'm back with another new DIY craft video. तो last time जब मैंने 5 minutes craft video upload किया था तो आपने इतना ज्यादा प्यार दिखाया उस video के ऊपर, तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसका second part भी बना लेते हैं। तो last time की तरह इस video में भी सारे craft जो मैंने बनाए हैं within 5 minutes आपके घर पे बना सकते हो। Also last time जो 5 minutes craft थे उसमें मैंने कुछ artificial चीजें use की थी, but आज के craft में मैंने कुछ भी artificial as such ऐसा कुछ use नहीं किया है। जो भी सारी चीजें है ये सब कुछ हैंडमेड एंड होममेड चीजों से बना हुआ क्राफ्ट है। सो वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर पूरा देखना। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट DIY आइडियाज आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस माय एनी वीडियो। एंड नाउ एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सारे DIY मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड एलिगेंट बनाए हैं ताकि कोई भी इसको बना पाए। तो मैंने ऐसे कुछ फ्रेम्स का सेट मीशो से परचेस किया था एंड ये बहुत सारी फ्रेम्स थी। तो लास्ट टाइम जो मैंने 5 मिनट्स क्राफ्ट वीडियो बनाया था उसमें इतने फ्रेम्स का यूज़ नहीं हो पाया, तो फिर इस बार मैंने सोचा कि चलो अगेन इसमें से कुछ सिंपल से फ्रेम वॉल डेकोर बना ले। तो मैंने सबसे पहले फ्रेम के सारे पार्ट सेपरेट कर लिए हैं एंड फिर एक थिक वाइट पेपर को फ्रेम के साइज़ के अकॉर्डिंगली कट कर लिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे फ्रेम के हाफ साइड में ही स्केच बनाना था, तो फिर मैंने वाइट पेपर को सेंटर पार्ट में से अगेन कट कर दिया है। फिर मैंने पेंसिल की हेल्प से वाइट पेपर पर लोटस का रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। तो ऑनेस्टली मेरी ड्राइंग उतनी कुछ अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये सिंपल सा लोटस का स्केच निकालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आपकी ड्राइंग भी मेरे जैसे उतनी अच्छी नहीं है तो आप ऐसे स्केच की डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल कर लगा सकते हो। तो रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद मैंने ब्लैक परमानेंट मार्कर से पूरे स्केच को आउटलाइन कर लिया है। अब मैंने फ्रेम के अंदर पहले ग्लास शीट, उसके पीछे स्केच एंड स्केच के पीछे फिर जूट क्लॉथ लगाकर ऊपर से MDF बोर्ड से फ्रेम को सिक्योर कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू सी द फाइनल रिजल्ट। तो सेकेंड DIY फ्रेम बनाने के लिए मैंने ऐसे ही कार्डबोर्ड को फ्रेम के शेप में पहले से ही कट कर लिया है। तो कार्डबोर्ड की साइज़ हमें एक्चुअल फ्रेम की साइज़ से थोड़ी छोटी रखनी है। फिर मैंने कार्डबोर्ड को ब्लैक एक्रेलिक कलर से अच्छे से पेंट कर दिया है। तो आप एक्रेलिक कलर की जगह पे पोस्टर कलर या फिर वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो पेंट अच्छे से सूखने के बाद मैंने कार्डबोर्ड की साइज़ का एक थिक पेपर जो है थिक वाइट पेपर कट कर लिया है एंड उसको अब हम ग्लू स्टिक की हेल्प से कार्डबोर्ड फ्रेम पर स्टिक कर देंगे। पेपर स्टिक करने के बाद हम यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक एंड 000 ब्रश की हेल्प से लीफ ड्रॉ करेंगे। तो ये लीफ का पैटर्न जो है हमें ऐसा कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा रखना है। तो जैसे ही हमारे ड्राइंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, मैंने एक ब्लैक फ्रेम के अंदर पहले से ही जूट क्लॉथ लगा रखा है एंड अब हम ये कार्डबोर्ड फ्रेम को वाइट ग्लू की हेल्प से जूट क्लॉथ पर स्टिक कर देंगे। तो चलो अब इसका फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। तो थर्ड DIY फ्रेम तो इतनी ज़्यादा आसान है कि क्या ही बताऊँ मैं अभी आपको, क्योंकि इसमें हमें ना ही कुछ पेंटिंग करना है ना ही कुछ स्केच निकालना है। तो मैंने इसे टू कलर पेपर लेके उसको एक साइज़ में कट कर लिया है एंड अगेन फिर मैंने पेपर को ऐसे बीच में से फोल्ड करके फेदर जैसा शेप देते हुए कट कर लिया है। देन जैसे फेदर होता है वैसे मुझे एग्जैक्ट इस पेपर का लुक चाहिए था, इसलिए फिर मैंने सीजर की हेल्प से पेपर को ऊपर से लेके नीचे तक कट्स लगा दिए हैं। तो देखो दोनों पेपर एकदम रियल फेदर जैसे ही लग रहे हैं ना। तो अब मुझे फेदर्स के नीचे एक मैसेज लिखना था, इसलिए फिर मैंने एक वाइट पेपर की स्ट्रिप कट करके ब्लैक परमानेंट मार्कर की हेल्प से उस पर गुड लक फॉर यू का मैसेज लिख दिया है। अब बारी आती है इस फेदर पेपर को फ्रेम में लगाने की।
तो जब तक मैं ये फ्रेम को अच्छे से फिक्स कर रही हूँ तब तक आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। तो 4th DIY शोपीस बनाने के लिए मैंने पहले से ही होममेड क्ले से ऐसे कुछ मोती यानी कि पर्ल्स बनाकर रखे थे। तो 4x4 के सीक्वेंस में मैंने सारे पर्ल्स को वाइट ग्लू की हेल्प से एक दूसरे के साथ स्टिक कर दिया है। तो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था कि मोती के टॉप साइड पर मोती स्टिक करना। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी कि मैंने वाइट ग्लू यूज़ किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप ये आर्ट पीस बना रहे होंगे तो आप उस टाइम पे ग्लू गन का यूज़ करना। तो ये पर्ल्स का कलर पहले से ही वाइट था तो इस वजह से मैंने इसको पेंट नहीं किया है, मुझे ये ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। बट अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग कलर से पेंट कर सकते हो। तो चलो अब इसका भी फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा 5 मिनट्स क्राफ्ट वीडियो पसंद आया हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट इन टुडेज वीडियो विच 5 मिनट्स क्राफ्ट यू लाइक द मोस्ट। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड या शॉर्ट्स तो मैं हर रोज अपलोड करती हूँ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।